एक बहुत बड़ा वर्ग है दलितों का जी। जिसको सीढ़ी बनाकर अरविंद केजरीवाल साहब दो बार मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के। उन्होंने एमसीडी की एक सभा में कहा था कि हम डॉक्टर अंबेडकर को पाठ्यक्रम में लागू करेंगे, ऐसा नहीं हो पाया। देखिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर आपके संज्ञान में इस तरह की का बयान दिया है तो सुनिए, वायरल हुआ है वो। हाँ, मैं उसी के ऊपर बोलना चाह रही हूँ। वो ऐसी बात नहीं है कि आज तक उन्होंने जितने वायदे किए मैनिफेस्टो में वो उन्होंने करके दिखाए, इसमें तो कोई झूठ नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, सारा मीडिया जानता है, देश जानता है। और आज जो बात कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर को, मैं मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस बड़े वर्ग का जिसका प्रतिनिधित्व अरविंद केजरीवाल साहब करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हैं। हम लोगों से भी सवाल पूछे जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब से हम सामान्य जनता सवाल नहीं पूछ पाते, लेकिन आप तो पूछिए। अभी तक लगभग 4 साल हो गए हैं उस वक्तव्य को, करोड़ों की तादाद में उस वक्तव्य को देखा गया है, अभी तक वो वक्तव्य पूरा नहीं किया गया जी। अच्छा, आप चिंता ना करें, इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे जब कह चुके हैं पूरे समाज के सामने, तो वो बहुत जल्द इस चीज़ को पूरा करेंगे। और इस पर पूरा कार्य भी तैयार कर लिया गया है, पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। बाबा साहब अंबेडकर हमारे प्रेरणादायक हैं और वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के भी प्रेरणादायक रहेंगे। वो हमेशा जिस चीज़ की उम्मीद आप कर रहे हैं, हम भी चाहेंगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी उस काम को करें। आम आदमी पार्टी की महिला संगठन की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं निर्मला कुमारी जी। आज एक बहुत बड़ा विशाल महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के बाबरपुर जिले की तरफ से रखा गया, सैकड़ों महिलाओं ने इसके अंदर भाग लिया। आइए जानते हैं निर्मला कुमारी जी से किस तरह से महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है और क्या विश्वास अरविंद केजरीवाल जी ने इनके ऊपर जताया है, क्योंकि उनको अभी हाल ही में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद का जो भार है वो दिया गया है। निर्मला जी, पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। निर्मला जी, किस तरीके से आप अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, दलित शोषित गरीबों की सरकार को और उसके अंदर भी महिलाएँ, आप जानती हैं भारत के अंदर महिलाओं को द्वितीय नागरिक का दर्जा प्राप्त है, महिलाओं को कभी आगे नहीं आने दिया गया है, तो किस तरीके से आप इनके खासकर दिल्ली के अंदर, क्योंकि पूरे भारत की राजधानी दिल्ली से ही केंद्रित होती है जी, कैसे आप इनको आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, 7 साल से तकरीबन आम आदमी पार्टी ये जन्मी हुई है। और आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के हित में, महिलाओं के सुरक्षा में और महिलाओं के सम्मान में हमेशा से वो अपना एक अहम रोल और अहम कदम उठाती चली आई है। जैसे कि मैं अभी जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर सीसीटीवी जगह जगह महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए, हर विधानसभा में जहां पर हमारे डार्क सर्कल थे, जहां पर हमें बहुत दिक्कत होती थी, छेड़खानी की घटनाएं होती थी, महिलाओं के साथ में इस तरह की वारदातें होती थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा को बहुत, मैडम ये काम दिल्ली पुलिस का है और दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के अधीन नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं दिर्यर्थी संवाद यहाँ पर निकल रहे हैं जी। मैं जानती हूँ कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस में हमेशा मतभेद आपस में रहे हैं, और वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है, वो केंद्र सरकार की है दिल्ली पुलिस। ये जो सुरक्षा, महिलाओं का सुरक्षा का जो पूरा जिम्मा है, वो वैसे तो गृह मंत्रालय के दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आता है, लेकिन क्योंकि दिल्ली की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो उनको इस नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी महिलाओं की फिक्र रहती है, और इस फिक्र के नाते उन्होंने महिलाओं के हित में जो कदम उठाए हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे, डीटीसी बसों में मार्शल की तैनाती, जब बस निकलती थी तो एक महिला वहाँ बस में चढ़ने से कई बार ये देखती है कि अकेला बस में कोई है या नहीं है, कुछ लोग बैठे हैं, वो कैसे सफ़र करेगी, उसको डर लगा रहता था कहीं ना कहीं है। इस डर को आम आदमी पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीटीसी बसों में जो मार्शल की तैनाती की है, उस डीटीसी बसों के अंदर हमारी महिलाओं ने अपने सफ़र को सुरक्षित महसूस किया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी दिल्ली की महिलाएं धन्यवाद करती हैं। अभी हाल में ही 29 अक्टूबर को एक बहुत ऐतिहासिक घोषणा होने जा रही है कि दिल्ली की बहनों के लिए जो दिल्ली की डीटीसी बसें हैं वो एकदम मुफ्त कर दी जाएंगी, क्योंकि ये भी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। तो सरकार बहुत महिला सुरक्षा पर और महिला सम्मान पर बहुत ही अनुकरणीय कार्य कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, और भी सुरक्षा के मद्देनज़र बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो महिलाओं के हित में नीतियां बनाई जा रही हैं। अभी आपने अपने वक्तव्य में महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए
और खासकर गरीब जो समाज है उसकी शिक्षा के लिए बात की। ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो जिला अध्यक्ष हैं मैडम उनसे भी सवाल किया था, मैं इस सवाल को दोबारा दोहरा रहा हूँ, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिए आम आदमी पार्टी की क्या नीति है? देखिए, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिए आम आदमी पार्टी की नीति साफ है और स्पष्ट है। ये उदाहरण किसी से छिपा नहीं है और ये पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जिस तरह की शिक्षा हर आखिरी व्यक्ति को, जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि शिक्षा सबका अधिकार है, हर वर्ग के लोगों को, हर अंतिम व्यक्ति को वही शिक्षा पहुंचाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मनीष सिसोदिया जी ने किया है, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। और ये देश के हर कोने कोने में, देश के हर राज्य में आज ये फैला हुआ है। देश से बाहर भी ये बात जा रही है कि माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जो शिक्षा का मॉडल देश के सामने रखा है, वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत है और एक आगे एक ऐसी दिशा देगा, पूरे सर्व समाज के लोगों को शिक्षित करेगा। जो बच्चे आज शिक्षा से वंचित थे, उन बच्चों तक भी ये शिक्षा पहुंच पा रही है। और इसमें सबसे पहला कदम मैं बताना चाहूँगी कि आपकी सीमापुरी से ही माननीय मंत्री जी राजेंद्रपाल गौतम जी हैं, उन्होंने कुछ खास वर्ग के लिए, SC ST और OBC समाज वर्ग के लिए, जो बच्चे शिक्षा से वंचित रहते थे, डिग्री डिप्लोमा नहीं कर पाते थे, उन्होंने सरकार की एक ऐसी स्कीम, जो लोन बिना गारंटी के लोन वाली जो स्कीम है, जिससे बच्चे, और एक भीम योजना, जो भीम पाठशाला है, उसके माध्यम से बच्चे जो शिक्षित हो रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने मिलकर किया है। मैडम, एक बहुत बड़ा वर्ग है दलितों का जी, जिसको सीढ़ी बनाकर अरविंद केजरीवाल साहब दो बार मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के। उन्होंने MCT की एक सभा में कहा था कि हम डॉक्टर अंबेडकर को पाठ्यक्रम में लागू करेंगे, ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर आपके संज्ञान में इस तरह की का बयान दिया है, मीडिया में बहुत वायरल हुआ है वो। हाँ, मैं उसी के ऊपर बोलना चाह रही हूँ। वो ऐसी बात नहीं है कि आज तक उन्होंने जितने वायदे किए मैनिफेस्टो में, वो उन्होंने करके दिखाए, इसमें तो कोई झूठ नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, पूरा सारा मीडिया जानता है, देश जानता है। और आज जो बात कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर को, मैं मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस बड़े वर्ग का जिसका प्रतिनिधित्व अरविंद केजरीवाल साहब करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हैं। हम लोगों से भी सवाल पूछे जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब से हम सामान्य जनता सवाल नहीं पूछ पाते, लेकिन आप तो पूछिए। अभी तक लगभग 4 साल हो गए हैं उस वक्तव्य को, करोड़ों की तादाद में उस वक्तव्य को देखा गया है, अभी तक वो वक्तव्य पूरा नहीं किया गया जी। अच्छा, आप चिंता ना करें, इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे जब कह चुके हैं पूरे समाज के सामने, तो वो बहुत जल्द इस चीज़ को पूरा करेंगे और इस पर पूरा कार्य भी तैयार कर लिया गया है, पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। बाबा साहब अंबेडकर हमारे प्रेरणादायक हैं और वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के भी प्रेरणादायक रहेंगे। वो हमेशा जिस चीज़ की उम्मीद आप कर रहे हैं, हम भी चाहेंगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी उस काम को करें। चलते चलते का आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव सिर पर है दिल्ली में, मुझे लगता है अगले साल मार्च में तैयारियां पूरी हैं, आम आदमी पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सामने मुझे लगता नहीं कोई दूसरी पार्टी दिल्ली में है, तो किस तरीके से आप अपने पूरे समाज को प्रेरित करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ झुके? क्या और नया मैनिफेस्टो इसके अंदर जुड़ने वाला है? देखिए, अभी मैनिफेस्टो की बात मैं नहीं करूँगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सब कुछ बताएंगे, आपको पार्टी बताएगी कि मैनिफेस्टो में और हम नया क्या लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं इतना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, महिला संगठन की एक मजबूत नेता होने के नाते, मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के हित में जो कार्य किए हैं, आज दिल्ली की हर कोने कोने में बैठी गृहिणी वो अपने आप में बहुत खुश हो रही है। वो कह रही है कि जो भार उनके ऊपर गृहस्थी चलाने का पड़ा हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके खर्चों की कटौती कर करके उनको बचत दे के, और उनको जो तोहफा दिया है, उनके जो खर्चे में उनके कटौती की है, और उनको वो पैसा अपने बच्चों के भविष्य में सिक्योर करना चाहती है, कहीं पर भी लगाना चाहती है। इससे दिल्ली की जनता बहुत गुस्से है, खासकर गृहिणी वर्ग, हर वर्ग की महिला कहती है कि हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ही देखना चाहते हैं, कि जिस मुख्यमंत्री ने हमारी चिंताएँ दूर कर दी, हमारी रसोई की चिंताएँ दूर कर दी, कुछ चीज़ों को बचत करके बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में बहुत बचत की है। जहाँ एक और सरकार, केंद्र सरकार, सबकी रोटी रोजी छीनने पर लगी हुई है, नौकरियाँ गायब हैं,
हैं, बिजनेस गायब है, वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो हर घर के लिए, अगर हम देखें उदाहरण पर, हर घर के लिए 15 से 20 हज़ार की नौकरी देने का काम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं है वो नौकरी के रूप में ही हम लोगों की बचत के, सभी ग्रामीणों की बचत में वापस आ रहा है। एक आखिरी सवाल, मनोज तिवारी को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया, पूरे विश्व को पता चल गया, इतने पोस्टर, इतना प्रचार प्रसार, लेकिन आपको साधारण तरीके से बना दिया गया, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ पक्षपात नहीं है? जी, ऐसा कोई पक्षपात नहीं है, क्योंकि हम आम आदमी हैं, आपको समझना होगा, आम आदमी, ये सीमापुरी की सुंदर नगरी से निकला हुआ एक आंदोलन, उससे पैदा किया हुआ एक आंदोलन है, और उसी में से निकली हुई एक कार्यकर्ता है दिल्ली प्रदेश की। ये कार्यकर्ता ना फूल चाहती है, ना माला चाहती है, ना कुछ चाहती है। फिर मैं अपनी बहनों के खुशी के लिए फिर भी मैं उनसे कह देती हूँ कि कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे प्रसार प्रसार की जरूरत नहीं है। ये बहन है, समस्त दिल्ली का महिला संगठन मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा है, बहुत सकारात्मक दृष्टि से कार्य कर रहा है, और कार्य ही मेरा सम्मान है, कार्य ही मेरे पोस्टर हैं, इनका कार्य ही मेरे बैनर और होर्डिंग है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा नेतृत्व आम आदमी पार्टी को मिले महिला संगठन की तरफ से, यही मेरा हार है सबसे ज़्यादा। साथियों, आप सुन रहे थे निर्मला कुमारी जी, हमारी बड़ी बहन जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला संगठन की आम आदमी पार्टी से, उनके विचार किस तरीके से आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अग्रसर है। आप देख रहे थे समता आवाज़ टीवी की एक खास पेशकश, अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ, मैं मनोज अंतानी दिल्ली से। समता आवाज़ टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज़ टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज़ टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बैल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। संतावाज की आपसे पुनः गुजारिश है, संतावाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।